हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। बिगिनर्स के साथ ये बहुत बड़ा इशू होता है कि वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बना पाते हैं, तो इस वीडियो में हम यही सलूशन देने वाले हैं कि आपके लिए बेस्ट रिस्पॉन्सिव थीम कौन सा होगा और उसको यूज करके आप कैसे जो है अपने लिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं या फिर अपने क्लाइंट के लिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिगिनर्स जो होते हैं वो वेबसाइट तो क्रिएट कर लेते हैं, बट जब उसी वेबसाइट को मोबाइल डिवाइस पे ओपन करते हैं तो वहाँ पे कुछ शो करता है, कुछ पार्ट शो नहीं करता है, तो ये बहुत बड़ा इशू होता है बिगिनर्स के साथ, तो इसलिए ये वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप कैसे क्रिएट करेंगे, वो भी फ्री में। तो यहाँ पे हम अपना ब्रेवी ब्राउजर ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद देखिए ये हमारा डोमेन है ramnadas.com। इसमें आप देख पा रहे होंगे वर्डप्रेस पे डिफॉल्ट थीम जो होता है वो यहाँ पे इंस्टॉल है। अगर आपको पता नहीं है कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें कि हम आपको ये बता रखे हैं जो फ्री में डोमेन होस्टिंग लेकर के आप वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऊपर में आई बटन में लिंक है, वहां से आप चेक कर लीजिए जो वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लेते हैं, /wp-admin डालेंगे और जो भी हमारा यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो डाल करके यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं और हमारा डैशबोर्ड जो है वो लॉगिन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है ये लॉगिन हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे हम एप्रियंस के अंदर आते हैं और यहाँ पे थीम का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे अभी जो थीम एक्टिवेट है वो ये थीम एक्टिवेट है और बाकी का दो थीम जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल है बट ये एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट तो कोई एक ही थीम रह सकता है, बट हम जो आपको बताने वाले हैं वो रिस्पॉन्सिव थीम के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट रिस्पॉन्सिव थीम कौन सा है और उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो है उस रिस्पॉन्सिव थीम को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड न्यू पे हम क्लिक करते हैं और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च वाले सेक्शन में सर्च करेंगे आप रिस्पॉन्सिव। जैसे ही आप रिस्पॉन्सिव सर्च करेंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव नाम का एक थीम दिखेगा आपको, इसको इंस्टॉल कर लेना है। आप इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिव टेकअप करके दिख रहा है, इसको इंस्टॉल नहीं करना है। जिसमें सिर्फ रिस्पॉन्सिव लिखा हुआ है इसी को आपको इंस्टॉल करना है। इसके लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद इसको एक्टिवेट कर लेंगे। अगर आप इस रिस्पॉन्सिव थीम का यूज करते हैं तो आपके मोबाइल डिवाइस में भी और पीसी में भी प्रॉपर दिखेगा, कहीं से भी कुछ कट नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट कर लिए हैं। एक्टिवेट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया है इंस्टॉल और एक्टिव करने के लिए। ये एक प्लगइन है जिसको कि इंस्टॉल और एक्टिव करेंगे तभी जो है इसका डमी कंटेंट जो है वो आप इंपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस पे हम क्लिक करके इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे, इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ पे हम ये भी आपको बता देंगे, मान के चलिए ये यहाँ पे आप जल्दबाजी में नोटिफिकेशन कट कर देते हैं फिर आप कैसे इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अब इसको एक्टिवेट होने देते हैं फिर हम बताते हैं अगर ये आप नोटिफिकेशन कट कर देते हैं उसके केस में आप कैसे इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे। देखिए ये अभी यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। देखिए जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव नाम का जो है एक आपको सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम बताने वाले आपको थे जो कि अगर आप नोटिफिकेशन को कट कर देते हैं उस केस में कैसे इसको आप एक्टिवेट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको एप्रियंस वाले में जब आप आएंगे तो एप्रियंस में जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा रिस्पॉन्सिव ऑप्शन का। ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे और इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो है इंस्टॉल करने का और एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। बट यहाँ पे जो है अभी ऑलरेडी इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है, इस कारण से यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव वाले में आएंगे और यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट, इस पे हम क्लिक करेंगे। जो भी यहाँ पे टेम्पलेट होगा फ्री और पेड वो सारा टेम्पलेट यहाँ पे हमको शो कर देगा। देखिए यहाँ पे जो है एलिमेंटर और गुटेनबर्ग ये दोनों शो कर रहा है। अब जिस पे बेटर तरीके से वर्क कर सकते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे और वो थीम आप इंस्टॉल करेंगे। हम यहाँ पर रिकमेंड यही करेंगे जो कि एलिमेंटर का आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, क्योंकि एलिमेंटर में काफी इजी होता है और हम कई सारे वीडियो में आपको बता भी चुके हैं तो एलिमेंटर का यूज करके कैसे आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं कस्टमाइजेशन वगैरह कैसे एलिमेंटर में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिमेंटर सिलेक्ट कर लेते हैं या यहाँ पे ऑल ही रहने देते हैं अभी हम फिलहाल। और ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो बिजनेस ब्लॉग ई कॉमर्स जिस टाइप का वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं होम पेज वेबसाइट उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम यहाँ पे फ्री पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो भी फ्री टेम्पलेट होगा वो सारा यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे स्किप टूर कर दे रहे हैं और यहाँ पे देखिए जो भी सारा फ्री टेम्पलेट था वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो क्रिसमस से रिलेटेड यहाँ पे आपको शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू वगैरह देखना चाह रहे हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का है यहाँ पे देखिए फोटोग्राफी से रिलेटेड है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट बिजनेस है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे इंटीरियर डिजाइनर का या फिर म्यूजिक बैंड है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एलिमेंटर बेस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। एलिमेंटर की है तो यहाँ पे देखिए एलिमेंटर बेस्ट यहाँ पे टैटू स्टूडियो है। टैटू से रिलेटेड आजकल काफी सारे बिजनेस चल रहे हैं, तो इसका अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्रेवल से रिलेटेड है, यहाँ पे योगा से रिलेटेड है, अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर है तो इसका यूज करके आप जो है अपने लिए वेबसाइट बना सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे फ्री में जो है टेम्पलेट आपको मिल जाता है, बट यहाँ पे पेड टेम्पलेट भी है। तो पेड के लिए आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रीमियम जो टेम्पलेट होगा वो भी यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि देखिए ये प्रो जिसमें लिखा हुआ आ रहा है, इसके लिए आपको बाय करना होगा इसका लाइसेंस, उसके बाद आप इसका यूज कर पाएंगे। NFT वगैरह पे अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो इसका आप, ये प्रो है इसको भी आप बाय कर सकते हैं। ये बाय कैसे करना होगा वो भी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए गेटिंग स्टार्टेड पे हम क्लिक किए और क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको गो प्रो का, इस पे क्लिक कर देंगे। गो प्रो पे क्लिक करने के बाद देखिए इस टाइप का पेज ओपन होगा और यहाँ पे जो है एनुअल प्लान और लाइफ टाइम प्लान दोनों आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं इसको और इसका जो है लाइसेंस आपको मिल जाएगा, फिर आप उसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 30 डे मनी बैक गारंटी भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप 30 डे के अंदर जो है रिफंड भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, बट अभी तो हम आपको फ्री में बताने वाले हैं फ्री का यूज आप कैसे करेंगे। चलिए इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं और कट करने के बाद यहाँ पर रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट में आ जाते हैं और यहाँ पे एक टेम्पलेट हम आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं जो आप कैसे यहाँ पे टेम्पलेट को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ऑल यहाँ पे सिलेक्ट है तो इसको हम यहाँ पे जो है फ्री पे क्लिक करेंगे और फ्री का जितना टेम्पलेट होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। और यहाँ पे देखिए म्यूजिक बैंड है, इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक कर रहे हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसा आपका वेबसाइट रहेगा वो सारा लुक यहाँ पे आपको शो कर देगा। आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कैसा आपका वेबसाइट दिखेगा, देखिए कितना अच्छा लुक दिख रहा है। तो इसको आप एक ही बार में आप इम्पोर्ट कर सकते हैं सारे वेबसाइट को। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक इम्पोर्ट साइट दिख रहा है और इम्पोर्ट टेम्पलेट दिख रहा है। ठीक है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे आपको। इम्पोर्ट टेम्पलेट जो है, इम्पोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करके आपको एक पेज अगर आप इसमें इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इम्पोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, या फिर पूरा कंटेंट आप इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं इसका तो आप इम्पोर्ट साइट पे क्लिक करेंगे। इम्पोर्ट टेम्पलेट पे अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पेज का अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा जो कौन सा पेज आपको इम्पोर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे अलग अलग पेज हमको शो कर दे रहा है। जो पेज हमको यहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से जो है वो टेम्पलेट को हम इम्पोर्ट कर लेंगे। ठीक है, बट हमको यहाँ पे पूरा के पूरा वेबसाइट को इंपोर्ट करना है, इसको यहाँ से हम कट कर दिए हैं अभी फिलहाल। और यहाँ पे फ्री हम सिलेक्ट कर रहे हैं अगेन और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए फिर प्रीव्यू पे हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे ऑप्शन हमको दे देगा यहाँ पे इंपोर्ट साइट का, इस पे हम क्लिक करके पूरा साइट को हम यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट साइट पे हम क्लिक करेंगे, ये इंपोर्टिंग यहाँ पे शो कर रहा है, ये हमारा जो है ये टेम्पलेट जो है ये इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, इसको आप एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं तो क्या क्या इसमें जो है इंपोर्ट हो रहा है, ये सारा आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। जब तक कि यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं शो कर देता है तब तक आपको वेट करना होगा। देखिए यहाँ पे शो कर दिया हमको रिस्पॉन्सिव स्टार्टर टेम्पलेट इम्पोर्ट कम्प्लीट। ठीक है, यहाँ पे लॉन्च साइट पे हम क्लिक कर रहे हैं, देखिए लॉन्च साइट पे जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे जो है यहाँ पे जो हमारा कंटेंट था डमी कंटेंट वो सारा यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है हमारे साइट में। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको यहाँ से हम कट कर रहे हैं। देखिए इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे जो है WooCommerce का प्लगइन भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, जो प्रोडक्ट वगैरह आप लिस्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये जो थीम आपको हम इंस्टॉल करके बताए हैं ये एक्चुअली WooCommerce बेस्ड है, जिसमें कि आप अपना प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी अभी प्रोडक्ट शो करेगा वो तो डमी होगा। यहाँ पे देखिए डमी जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लिस्टेड यहाँ पे शो कर रहा है, बट आप ऐड करना चाहें तो ऐड न्यू पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ऐसी को एडिट करना चाहें तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं, जो आप प्राइस वगैरह रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस पेज को आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक करते हैं, देखिए जैसे ही विजिट साइट पे क्लिक किए तो यहाँ पे जो है इस तरीके से पूरा का पूरा जो कंटेंट था हमारा ये शो कर रहा है। आप इसको कस्टमाइज करना चाहें तो एलिमेंटर के हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अभी हम दिखा देते हैं इसका शॉप पेज जिसका कि हम बात कर रहे थे। आप स्लैश डालेंगे और यहाँ पे SHOP हम डाल रहे हैं, इसका शॉप पेज भी है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने इसका शॉप पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। देखिए ये शॉप पेज है, ये यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे कार्ट में ये ऐड हो जाएगा इस तरीके से, जो भी प्रोडक्ट आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम होम पे आ जाते हैं, यहाँ पे म्यूजिक बैंड पे क्लिक कर रहे हैं और इसके होम पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे एडिट करने के लिए एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हम एडिट विद एलिमेंटर पे किए तो यहाँ पे जो है एक इशू यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे रिक्रिएट किट पे हम क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे रिक्रिएट किट का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे रिक्रिएट किट पे। देखिए यहाँ पे ये रिक्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगेन हम आएंगे और इसको गो बैक पे हम क्लिक कर रहे हैं और फिर से यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हमारा एलिमेंटर जो है तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा और जो भी कंटेंट वगैरह एडिट करना है हमको वो यहाँ पे हम एडिट कर पाएंगे।
देखिए यहाँ पे हेडिंग वगैरह अगर एडिट करना है तो इसपे हम क्लिक करेंगे और जो भी कंटेंट इसमें हम डालना चाह रहे हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। बुक नाउ का बटन लिंक वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे बुक नाउ को चेंज कर सकते हैं। जो भी आप जो कुछ भी चेंज करना चाहते हैं वो एलिमेंटर के हेल्प से आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। इमेज चेंज करना है, इस पर क्लिक करेंगे इमेज चेंज कर सकते हैं। एलिमेंटर का यूज करना हम पहले भी आपको काफी अच्छे तरीके से बता चुके हैं जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहां से जा करके उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी आपका इमेज वगैरह है वो आप यहाँ पे अपने तरीके से इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म मिल जाता है आपको। ठीक है, यहाँ पे न्यूज़लेटर वगैरह है, ये सब इसमें ईमेल डाल के सबमिट करेगा तो आपके पास जो ईमेल है वो आ जाएगा। इस तरह से जो है आप रिस्पॉन्सिव थीम का यूज करके आप वेबसाइट बना सकते हैं जिससे कि आपके मोबाइल डिवाइस पे भी प्रॉपर दिखे। ठीक है, अभी हम एक बार दिखा देते हैं, मोबाइल डिवाइस पे कोई इशू तो नहीं आ रहा है वो भी हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। इसको जो है हम मोबाइल साइज में ले जाते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर इस तरह से हमको शो कर रहा है, यहाँ पे कहीं से भी कुछ कटा हुआ नहीं दिख रहा है, प्रॉपर ये दिख रहा है। मोबाइल डिवाइस में भी आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, ये प्रॉपर दिखेगा। इसका आप आसानी से यूज कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए बना सकते हैं। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो इस तरह से आप बनाइए। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है कृपया वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए हम इस तरह का वीडियो लाते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।